अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब आ चुका हूँ एतवार बाज़ार और आपको दिखाता हूँ इस एतवार बाज़ार इस्लामाबाद का व्यू कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो चलते हैं एतवार बाज़ार की तरफ जी। ये इस्लामाबाद एतवार बाज़ार का गेट नंबर 2, यहाँ से मैं अभी एंटर होने लगा हूँ अंदर। ये सामने मिसलिनियस सेक्शन, फ्रूट सेक्शन, यहाँ हर चीज़ का सेक्शन बने हुए हैं। अपने जो जो चीज़ लेनी है यहाँ पे आप आके इन सेक्शन में ले सकते हैं। इस तरफ जैसे आपको सब्जियाँ वगैरह मिलेंगी, इससे आगे पूरा सेक्शन है सब्जियों का, ये डेयरी आइटम्स ये, और ये देखिए ये सारे मसाला जात सारे मिलते हैं यहाँ से। और वो वाले फ्रूट सेक्शन है सारे इस तरफ पूरा, ये सारा शूज़ सेक्शन है इस तरफ से, सारा ड्राई फ्रूट सेक्शन है। ये यहाँ से ऑयल वगैरह मिल जाते हैं, चटनी भी है, ये देखें सब कुछ। और यहाँ पे फ्रेश ऑयल्स भी मिल जाते हैं। ये यहाँ पे ये जूसेस की शॉप्स हैं, ये और ऑयल्स वगैरह यहाँ पे फ्रेश ऑयल निकाल के देते हैं, ये फ्रेश गन्ने का जूस वगैरह, इस तरह की शॉप्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ गेट नंबर 3 पे, इससे आगे ये फ्रूट सेक्शन स्टार्ट होते हैं उसी तरफ वाले, यहाँ पे फिर क्लॉथ्स के और इस तरह के सेक्शन जैसे सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज्ड भी होती हैं और कुछ चीज़ें न्यू भी होती हैं, वॉचेस, बैग्स, क्लॉथ्स, कर्टन वगैरह और ये तकिए वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाता है आपको। अंडरगारमेंट्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है आपको। तो इस बाज़ार में आप आते हैं तो आप उन्हें जो जो चीज़ें लेनी होती हैं आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आपको इधर ही मिल जाता है। एक शीट्स वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पर, ये सारा किरियाना का सेक्शन आया। अब मैं गेट नंबर 4 पे आ गया हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं सामान ज़्यादा, ये ट्रॉलीज वगैरह खड़ी हुई हैं और ये लोग भी बैठे हुए हैं जो आपको छोड़ के आते हैं गाड़ी तक, अपनी जगह तक, यहाँ तक आपकी ट्रांसपोर्ट खड़ी होती है। वहाँ पे सारा किरियाना का सेक्शन है, ड्राई फ्रूट्स वाले भी हैं इसमें, किरियाने वाले भी हैं इसमें। ये देखें आपको पिंक साल्ट फ्रेश मिल जाता है, ताज़ा बना हुआ चक्की का। यहाँ मिर्चें वगैरह सारी आपको आपके सामने पीस के दे रहे होते हैं, आटा अपने सब कुछ। ये सारा किरियाना सेक्शन है। और उस तरफ आगे आ जाता है लंडा सेक्शन, इसके अंदर आपको यूज्ड का सब कुछ मिल जाता है। ये यूटिलिटी स्टोर है जो कभी बंद हुआ हुआ है। यहाँ से आपको कारपेट्स मिल जाते हैं, मैट्रेस मिल जाते हैं, चेयर्स मिल जाती हैं और क्लॉथ्स, डेकोरेशन की चीज़ें सारी। ये देखें ये कर्टन्स वगैरह, ये यूज्ड आइटम्स। क्लॉथ्स का सेक्शन है सारा, देखिए वो आवाज़ें लगा रहे हैं, 100-100 रुपये क्लॉथ्स हैं। ये कर्टन्स वगैरह, ये कारपेट्स का सेक्शन है सारा। यहाँ आपको क्लीन और कारपेट हर तरह के मिल जाते हैं, शीट्स वगैरह मिल जाती हैं आपको यहाँ से। ये देखें फिर यहाँ से ये क्लॉथ्स का सेक्शन है सारे के सारे, क्योंकि लंडा सेक्शन लिखा हुआ है उधर। सारे यूज्ड आइटम्स के सेक्शंस हैं,
जिसको लंडा सेक्शन बताया गया इन लोगों ने। फ्रेम्स वगैरह और सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा यूज्ड हैं आपको ये क्लॉथेस, यूज्ड में और न्यू भी हैं कुछ इनमें। सारे यूज्ड क्लॉथेस का सेक्शन हैं जहाँ पे आपको यूज्ड चीज़ें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिक की। ये आपको हर तरह का यहाँ से सामान मिल जाता है, कुछ यूज्ड भी हैं, न्यू चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। आपको यूज चीज़ें बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं और कम पैसों में मिल जाती हैं यहाँ से। इलेक्ट्रिक कैटल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे, कैमराज वगैरह, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, स्टैंड देखा था लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ये लोग, रेट्स बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं इन चीज़ों का, और इतना रेट होता नहीं है, बर्गेनिंग करानी पड़ती है, बर्गेनिंग के बाद ही ये रेट कम होते हैं इनके। सारे यूज आइटम हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, रेट्स बहुत हाई बताते हैं इनके स्टार्ट में ही। मैंने ये स्टैंड की बात की थी, मैंने उनसे स्टैंड का पूछा तो मुझे 10,000 बता रहे थे स्टैंड का रेट, हालांकि न्यू भी वो उस कंडीशन में स्टैंड इतना एक्सपेंसिव ना मिलता जितना वो मुझे 10,000 का बता रहे थे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत मिलता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव रेट्स बताते हैं, इतने न्यू के भी नहीं होते। अच्छा, दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है, मरगला बाजार है चेन्नई, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। इधर पार्किंग की साइड है और यहाँ से हम आ जाते हैं इस बाज़ार में। यहाँ पे आपको फिश वगैरह और बर्ड्स और इस तरह की हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से, हर तरह के फूड आइटम्स, इंटरनेशनल फूड सारी मिल जाती हैं आपको, फिशेस, केकड़े, जेली फिश, स्टार फिश पड़ी हुई है। ये पड़े हैं। आपको हर तरह के बर्ड्स मिल जाते हैं, उनके एग्स भी मिल जाते हैं, उनके फूड भी मिल जाते हैं उनका। एक्वेरियम मिल जाते हैं यहाँ से, ये देखें। और